हेलो समीर, कहाँ है तू? हाँ जल्दी आ, मैं आ गया। हाँ ठीक है। अरे इतना देरी कहाँ हुआ? क्या रे, कल रात को सो पाया? समीर, कल रात को तुम जो भी देखा वो मुझको भी देखने का मन कर रहा है। चल ना समीर, एक बार देख के आते। चल ना, चल ना समीर, एक बार कुछ नहीं होगा। चल ना, मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसा मत कर। चल ना, कुछ नहीं होगा। चल ना समीर, कुछ नहीं होगा। चल चल। हम जुरिक के बारे में जा रहे हैं, क्या हमें नहीं लगता कि उसके बताना जरूरी है? हाँ ये बात तो सही बोला। अब चल सौरभ को बुलाते। कौन सौरभ? सौरभ तो रिक्का पार का बेस्ट फ्रेंड है, तब उसको ही बुलाते। ऐसा है तो चल ठीक है, उसको बुला फोन कर। समीर, यही सौरभ है। हाँ भाई बोल, क्या क्या? चल बोलता हूँ। कल शाम को तब तुमको पता चली गया। मुझे पता है अब क्या करना है। हाँ बोल। बचपन में रिक अपने ट्विन ब्रदर को मार दिया था। हम लोग को तो उसके बारे में कुछ पता नहीं। एक दिन उन दोनों का बर्थडे में किसी ने एक डॉल गिफ्ट किया था। फिर दोनों भाइयों में डॉल को लेकर झगड़ा हुआ। खींचतानी में रिक ने अपने भाई को धक्का दे दिया था। धक्के के कारण उसके सर दीवार में लग गया था और वो 5 साल की उम्र में ब्रेन हेमरेज से मर गया। पर हमें तो ऐसा कुछ नहीं पता था। तो फिर वो डॉल का क्या हुआ? फिर उस डॉल का कोई पता नहीं। चल तो उधर। क्या रे सौरभ, चल। जो कर रहा है वो सब के करना। क्या हुआ? आ अरे कल शाम को यहाँ पर पानी था ना? हाँ शायद। हाँ समीर, वो हादसा इस रूम में हुआ था। क्या हुआ सौरभ? हादसा इस रूम में हुआ था ना? चल इस रूम में चल। चल सौरभ। इसके बारे में अगर रिक को पता चला हम लोग सब खत्म। क्यों? मुझे नहीं पता क्यों, पर होगा। यही हो रहा है।
तुमको कैसे पता कि यही वो डॉल है? मुझे पता है,